हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IBBS SO AFO प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरली क्या हो सकता है, किस रेंज में हो सकता है, और आपकी जो एग्ज़ाम है उसके भी बेस्ड कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसके बलबूते पे ये कट ऑफ डिसाइड होगा। एक चीज़ तो है वैकेंसीज जो आपको पता है, दूसरी चीज़ है फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कट ऑफ क्या हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली चीज, लास्ट ईयर की प्रीलिम्स एसओ की और इस साल की फ़र्क है, ठीक है, स्लाइट नहीं, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। स्टूडेंट्स ने रीजनिंग को रिपोर्ट किया डिफ़िकल्ट है, और जाहिर सी बात है जो था कंपैरेटिवली कह सकते हैं। इंग्लिश को फिर भी संभाल लिया लोगों ने, ऐसे एक ओवरऑल ओपिनियन आया है। एंड मैथ्स की बात करें तो कैलकुलेटिव था। तो अभी देखो कुछ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। रीजनिंग के अगर मैं पजल्स को गोली मार दूं कि पजल्स को काउंट ही ना करूं लगभग 25 मार्क के लगभग, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सिलॉगिज्म थे, बाकी थोड़े चैप्टर्स थे तो वो उन्होंने कर दिया, लेकिन जब पजल्स की बात आई तो थोड़ा दिक्कत हुई। इसका मतलब पढ़ने में दिक्कत हुई स्टूडेंट्स को। पढ़ने में दिक्कत आने के बाद आपने सॉल्व किया, मतलब टाइमर भी देखना है 40 मिनट, तो उनको ये कट ऑफ उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैथ्स की बात करें तो कैलकुलेटिव काफ़ी था, ठीक है, और इवन DI भी था, काफ़ी लेंदी थे, कुछ घुमा फिरा के पूछे थे DI, तो स्टूडेंट्स वेयर रिपोर्टिंग के सब निकालना मुश्किल था मार्क्स, तो उसमें भी है। आई एग्री, इसमें भी कुछ लोग गए होंगे 30s में, बट एज मैं जिस मैंने बताया मैं AFO के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ट्रबल पार्ट लगा। तो स्टूडेंट्स को ये IBBS को ये फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा। रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में ठीक ठाक स्टूडेंट्स ने धक्का मार कर निकाल लिया है जितने उनको करने चाहिए थे, और ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 55 अटेम्प्ट है, 65 है, 60s है, अराउंड ये रेंज में ज़्यादा सुनने को आए नंबर्स, ठीक है, इससे कम भी है, इससे एक आध दूसरे ज़्यादा भी है, बट इस रेंज में ज़्यादातर तो नंबर सुनने को आए AFO वालों के प्रीलिम्स के अटेम्प्ट। तो जाहिर सी बात है मैंने लास्ट टाइम भी कट ऑफ दिया था, इफ़ यू आर माई लास्ट ईयर स्टूडेंट देन लेट मी टेल यू, जब मैंने AFO कट ऑफ बताया था तो बहुत लोगों ने नहीं माना, बहुत लोग गुस्सा भी थे, बट जब वो कट ऑफ सही निकला तो कुछ कोई बोलने नहीं आया, तो इट वॉज़ क्वाइट ऑड सिचुएशन। तो इस साल का बताता हूँ मुझे क्या लगता है क्या होगा। देखो, अगर इंग्लिश की पहले बात करूँ सेक्शन वाइज, इंग्लिश का मैं एक्सपेक्टिंग 3 से 5 में रहेगा कट ऑफ, और रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ ऑन एंड ऑल तो 7 और 8 मार्क्स, ठीक है, AFO है तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा जाना चाहिए, हालांकि एक्सपेक्टेड 1-2 मार्क्स है, बट रीजनिंग के पजल्स ने काफ़ी परेशान किया है, तो फिर से मैंने 7-8 की कैटेगरी में ही इन दोनों सेक्शंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी रही आपका सबसे बड़ा डाउट, सबसे मेन सवाल, ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो, पहली चीज़ तो मैं इतना बता दूँ, कट ऑफ लेस देन 30 होना चाहिए, ओके, 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रही जो रेंज की बात, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 23 to 27, इसके करीब कहीं ना कहीं होगा, ओके, तो इस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सो जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए इससे डबल, तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी तो आपने बनाई होगी, ओके, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आउट हो जाएगा। सो आई विश ऑल गो इन योर फेवर, एंड आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डोंट वेट, बिकॉज इसमें कोई हारने से सिचुएशन नहीं है, ओके, क्योंकि बाद में ना टाइम कम बचेगा जब रिजल्ट आउट होगा। तो ये था AFO के कट ऑफ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।